हेलो दोस्तों, स्टडी एग्जाम एकेडमी में आपका स्वागत है। सभी लोग आ जाइएगा, 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, भारतीय इतिहास के मोस्ट क्वेश्चन करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को एक बार जोड़ दीजिएगा, सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि पढ़ने वाले जितने भी दोस्त हैं सभी आ जाएँ। चाहे आप राजस्थान पुलिस, पटवार, वन रक्षक, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, SSC, GK, सभी एग्जाम में आता है, तो सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। क्या बोला दोस्तों, किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? तो हम पहले आपको यह बता दें कि गोल में सम्मेलन कब कब हुआ। देखिएगा, पहला गोल में सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोल में सम्मेलन 1931, तीसरा गोल में सम्मेलन 1932 में। ये तीनों गोल में सम्मेलन है दोस्तों। अब हमसे ये पूछा है कि किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था, तो बताना राइट आंसर क्या होगा। और जिनसे भी आता है कमेंट में आंसर करें, अगर आप क्वेश्चन का आंसर बन रहा है आपसे तो कमेंट में आंसर करें। और जितने भी दोस्त हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल का नोटिफिकेशन आपके में आता रहेगा। तो चलिए बताइएगा दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर हैं, वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी, तीनों गोल में सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो बता दें दोस्तों, जो तीनों गोल में सम्मेलन भाग लिए थे वो हैं आपके भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन ए किया है उन सभी का सही हो जाएगा। और भीमराव अम्बेडकर जो भाग लिए थे दलितों की ओर से, किन की ओर से भाग लिए थे? दलित की ओर से भाग लिए थे। ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? 1857 के विद्रोह को और क्या बोलते हैं दोस्तों? सिपाही विद्रोह। 1857 जो विद्रोह हुआ था इसको बोला जाता है सिपाही विद्रोह बोलते हैं इसको। तो यह पूछा है किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर आपको बताना है। 1857 की जो क्रांति है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर हुआ था। किसके दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर हुआ था। लेकिन पूछा है किसने विद्रोह की संज्ञा दी, तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डिजारियो साहब ने। किसने दोस्तों? डिजारियो साहब ने दिया था इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा। चलिएगा अगला क्वेश्चन करेंगे, और ध्यान से पढ़ते जाइएगा, आंसर बने तो कमेंट में कीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड इसका फैक्ट बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनिए। चलिए अगला, भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कब शुरू की गई? सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है अलग अलग वर्ग के लिए, अलग अलग धर्म के लिए सीटों का आरक्षण, अलग अलग धर्म के लिए सीटों का आरक्षण, इसको बोलते हैं सांप्रदायिक, है ना। संप्रदाय मतलब क्या होता है? धर्म। अलग अलग धर्म के सीटों, अलग अलग धर्म के लिए क्या है, सीटों को आरक्षित किया गया पहली बार। कब हुआ था पहली बार, आंसर कीजिएगा। तो राइट आंसर होगा इसको दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा 1919 में क्या हुआ था दोस्तों? 1919 में मार्ले मिंटो सुधार, आप इसको याद कीजिए, 1919 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू की गई पहली बार। अगला क्वेश्चन, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस सरकार बनी, कहाँ बनी? बंगाल पंजाब, पंजाब बिहार, मद्रास यूपी या बिहार यूपी। देखिए दोस्तों, 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें गैर कांग्रेसी मतलब मुस्लिम लीग सरकार बना लिया था और अन्य लोग सरकार बना लिए थे, कहाँ पर? बंगाल और पंजाब में हुआ दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? बंगाल और पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज क्या था दोस्तों? ब्रिटिश जहाज का नाम बताना है, तो सबसे पहले भारत आया था, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट में बताइएगा। भारत आने वाला पहला जो ब्रिटिश जहाज था ये आपका था दोस्तों रेड ड्रैगन था। क्या दोस्तों? रेड ड्रैगन था। ऑप्शन नंबर बी का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था?
क्या पूछा दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? तो आपको थोड़ी बता दें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में बता दें, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था स्थापना? यह हुआ था ढाका बांग्लादेश में स्थापना हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था कांग्रेस से अलग रहना और ब्रिटिश सरकार का विरोध करना। तो ये था। पूछा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की दोस्त? तो ये जो किए थे आगा खां किए थे। कौन दोस्त? आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किए? तो गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किए थे? देखिएगा दोस्तों, बता दें आपको गांधी जी के बारे में थोड़े से कि गांधी जी भारत में कब आए। 1915 में गांधी जी भारत आए। जब भारत आए तब आंदोलन करना उन्होंने स्टार्ट किया था। सबसे पहले जो आंदोलन किए थे, आंदोलन का नाम क्या था दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह। पहला जो आंदोलन था दोस्तों गांधी जी का, चंपारण सत्याग्रह, बिहार में आंदोलन किए थे। कहाँ पर? बिहार में आंदोलन किए थे। किसके विरुद्ध किए थे? तीन काठिया प्रथा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध दोस्तों? तीन काठिया प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किए थे। तो किस सन में किए थे? 1917 में किए थे। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है आपको, सभी ध्यान रखिएगा। मान लो क्वेश्चन ये पूछ देता कि गांधी जी किनके विरुद्ध युद्ध, किनके विरुद्ध आंदोलन किए थे, तो तीन काठिया कब किए थे? 1917 में किए थे। कहाँ किए थे? बिहार में किए थे। कौन बुलाए थे गांधी जी को? राजकुमार नाम का व्यक्ति, इन्होंने बुलाया था। तो ये सभी जितने एक्स्ट्रा फैक्ट हैं सब ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन। 1858 को कब दोस्तों? 1858 को रानी की घोषणा के मुद्दे को लेकर शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था शाही दरबार? चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताइएगा। लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर। तो शाही दरबार का जो आयोजन किया गया था घोषणा के मुद्दे पर, यह किया गया दोस्तों कहाँ पर? कानपुर में किया गया था। कहाँ पर किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कानपुर में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या राइट आंसर है दोस्तों? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बता दिया आपको, राइट आंसर इसका होगा डी, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, इन्हें भारत का पैगंबर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पैगंबर बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए बता दें आपको हम, जो बाल गंगाधर तिलक हैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्या दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक ने एक समाचार निकाला था जिसका नाम है केसरी। क्या है? केसरी। और 1893 में गणपति उत्सव, क्या दोस्तों? 1893 में गणपति उत्सव मनाना शुरू किए थे। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन की भी शुरुआत किए थे। इतना इसका फैक्ट है। चलिए अगला। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत अपनाया गया? तो संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत अपनाया गया? जिनसे भी आता है राइट आंसर बताएं। क्या दोस्तों? जिनसे भी क्वेश्चन का आंसर आता है वो बताएं राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो बता दें आपको, संघीय शासन प्रणाली अपनाया गया जो था 1935। कब दोस्तों? 1935 के अधिनियम में अपनाया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनका भी सी ऑप्शन था, जो जितने लोग कमेंट में सी किए हैं सभी का सही हो जाएगा। और एक बार सभी को शेयर कर दीजिएगा, सभी को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप फेसबुक में जहां भी आप जुड़े हैं दोस्तों के साथ, ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्त आ जाएं। चलिएगा अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? देखिएगा, पहले में अगर पूछता तो पहले में किसके साथ किए थे, तो ब्रिटेन के साथ किए थे, इंग्लैंड के साथ। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध किए थे। पूछा ना द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध, तो ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध किए थे। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासन काल में हुआ था? चार ऑप्शन दिया गया, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। ये हार्डिंग है, ये हार्दिक नहीं दोस्तों, ये आपका क्या है ये देख लीजिएगा, यहाँ पर जो लिखा है ना ये हार्दिक नहीं है, लॉर्ड हार्डिंग है। क्या दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग है। तो बताना है क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो बता दें लॉर्ड कर्जन के टाइम पर दोस्तों, किसके? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था। और लॉर्ड कर्जन के टाइम पर क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन, ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, काकोरी डकैती षड्यंत्र का नायक कौन था? क्या दोस्तों? काकोरी डकैती षड्यंत्र का नायक कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या बरकतुल्लाह? क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा सभी दोस्त बताएं। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल। क्या दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल थे। आपको हम बता दें कि काकोरी डकैती षड्यंत्र है, कमेंट में बताएं कि कब हुआ था ये, कमेंट में सभी लोग बताएं कि काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था। चलिए बता दिए, बता रहे हैं हम, काकोरी जो डकैती षड्यंत्र है 9 अगस्त 1925, लिख दे रहे हैं दोस्तों 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इतने एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए इसके। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त सेशन 1916 में कहाँ हुआ था? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, मद्रास। कहाँ पर हुआ था 1916 में? 1916 में जो हुआ था दोस्तों, 1916 में जो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हो गया था। क्या हुआ दोस्तों? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था। तो कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? तो बता दें आपको 1916 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, लखनऊ में सम्मेलन हुआ था। तो ये दोस्तों इसका फैक्ट भी आप ध्यान रखा करें। चलिएगा अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में किसने किया? एक चीज़ और बता दें, दलितों के बारे में ज़्यादा काम किसने किया? तो दलितों के बारे में जो ज़्यादा काम किए थे वो किए थे भीमराव अम्बेडकर। तो यहीं से आपको आंकलन लग जाएगा कि दलित वर्ग महासंघ की स्थापना कौन कर सकते हैं? भीमराव अम्बेडकर। ये एक अंदाज भी लगाएंगे तो लग जाएगा कि दलित वर्गों के उत्थान के लिए ज़्यादा कार्य किसने किया? तो भीमराव अम्बेडकर किए थे, सबसे ज़्यादा कार्य किए थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बताना है, चार ऑप्शन आपको दिया गया, यूपी और पंजाब, मद्रास और कोलकाता, मद्रास और मुंबई, बंगाल और बिहार। रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्या दोस्तों? रैयतवाड़ी व्यवस्था अगर हम आपको बता दें किसने शुरू किया था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो शुरू किए थे थॉमस मुनरो। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। कहाँ से दोस्तों? पहली बार मद्रास और बम्बई। कहाँ दोस्तों? मद्रास और बम्बई से स्टार्ट किए थे रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन किए? थॉमस मुनरो साहब। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में झांसी किसका युद्ध केंद्र था? झांसी से कौन युद्ध किए थे ये बता दीजिए आप। चलिएगा तो बताने आपको, झांसी से कौन युद्ध किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो झांसी से जो युद्ध किए थे रानी लक्ष्मीबाई। कौन दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध केंद्र था झांसी। और बता दे, खान बहादुर कहाँ से युद्ध किए थे? तो खान बहादुर युद्ध किए थे बरेली से। ये एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखिएगा, खान बहादुर कहाँ युद्ध किए थे? बरेली से। बहादुर शाह जफर ये द्वितीय है दोस्तों, ये क्या है? द्वितीय है। बहादुर शाह जफर द्वितीय कहाँ से युद्ध किए थे? दिल्ली से किए थे। नाना साहब कहाँ युद्ध किए थे? नाना साहब किए थे कानपुर से युद्ध किए थे। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जानकारी रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? चार ऑप्शन दिया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान साहेब, चौधरी शौकत अली, लियाकत अली खान। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? तो जाना जाता है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे ये गांधी के विचारों से प्रभावित थे। क्या दोस्तों? गांधी के विचारों से ये क्या थे? प्रभावित थे, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ किए थे? लाहौर, इलाहाबाद, नागपुर, अहमदाबाद। चलिएगा दोस्तों राइट आंसर आपको बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ किए थे। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो बता दें दोस्तों राइट आंसर जो होगा आपका होगा आर्य समाज की स्थापना 1875 में ये किए थे बम्बई से। कहाँ से? मुंबई से में किए थे। चारों ऑप्शन आपका गलत है, इसीलिए ये ऑप्शन दिया गया था। कई लोग क्या करते हैं, चार ऑप्शन दे के चारों में से देखते हैं, चारों में से कोई ए बोल दे रहा है, कोई बी बोल देता है, इसलिए ऑप्शन रखा गया। तो आपको बता दें दोस्तों चारों ऑप्शन गलत है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना जो है मुंबई में किया गया था। कहाँ दोस्तों? मुंबई में किया गया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन। 19वीं सदी में भारतीय समाज सुधार के अग्रदूत कौन थे? अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। तो बता दें दोस्तों आपको जो समाज सुधार की अगर बात किया जाए, भारतीय समाज सुधार के अग्रदूत ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय थे। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने क्या क्या किया, समाज में क्या क्या सुधार किए, तो ध्यान रखिएगा, बाल विवाह को उन्होंने रोका, सती प्रथा को रोक दिए, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा, इन सब को रोकने का उन्होंने बहुत ही प्रयास किया था। इसलिए भारतीय समाज सुधार के अग्रदूत अगर पूछता है तो बताना है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जितने दोस्त ऑप्शन बी किए थे ना सभी का राइट हो जाएगा। और एक बार शेयर कर दीजिए, जी क्या अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें। 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है और ये रोजाना 7:00 होता है, तो आप 7:00 लाइव आना ना भूलें, सभी दोस्तों को बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कई बार बता चुके हैं कि होम रूल आंदोलन, क्या दोस्तों? होम रूल आंदोलन अगर आपसे पूछता है मद्रास में, तो मद्रास में किसने किया? एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछता है बंगाल में, तो बंगाल में किसने किया था? तो बता दे देखिएगा, अगर पूछता है मद्रास में तो आपको बताना है एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछता है बंगाल मुंबई में, तो मुंबई में अगर पूछता है तो बाल गंगाधर तिलक। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, होम रूल आंदोलन पूछता है तो आपको बताना है एनी बेसेंट। इसके द्वारा दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। जितने लोग ऑप्शन ए किए थे सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को बताना है कि गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था। 1933, 1930, 1931, 1932 में। दोस्तों बता दें गांधी जी अरविंद समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, कब दोस्तों? 5 मार्च 1931 को गांधी अरविंद समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। नील खेती के विरुद्ध में एक नाटक लिखा गया नील दर्पण, इसके लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट बताना है आपको, इसके लेखक कौन है? तो कमेंट में आंसर कीजिएगा जिनसे बनता है। बताए दोस्तों जो नील खेती के बारे में लिखा गया नील दर्पण, इसके जो लेखक है दीन बंधु मित्र, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह संबंधित था कपास खेती, नील खेती, नील मालिकों से, भूमि के स्वामित्व से। तो बता दें चंपारण जो ये संबंधित था किसे संबंधित था? गांधी जी चंपारण आंदोलन करने गए थे, बता चुके हैं 1917 में, कहाँ पर? बिहार के चंपारण में। राजकुमार नाम का एक व्यक्ति था, गांधी जी को बुलाए थे आंदोलन करने के लिए थे, तो गांधी जी गए थे कब? 1917 में। किससे संबंधित दोस्तों? नील खेती संबंधित था। किससे? नील खेती संबंधित था। वहां पर था भूमि संबंधित को जो कर था
तीन काठिया प्रथा था क्या, तीन काठिया प्रथा उसके विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। तो याद रखिएगा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था कौन सा था, न्यू इंडिया, मद्रास यूनियन, कोलकाता चार्ट, बंगाल गजट। तो कौन सा था दोस्तों पहला अखबार, सभी को बताना आंसर जिनसे आता है। तो पहला अखबार था दोस्तों बंगाल गजट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कब प्रकाशित हुआ दोस्तों बंगाल गजट जो था 1700, कब दोस्तों बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुआ था, कहाँ से हुआ था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये तीनों फैक्ट जानना जरूरी है, पहला अखबार बंगाल गजट कहाँ से, कलकत्ता से, कब 1780 में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किए थे, चार ऑप्शन दिए गए, कालीकट, दमन, कोची, बीजापुर। तो बताना दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बता दे आपको सबसे पहले 1500, कब दोस्तों सबसे पहले 1503 में पहले दुर्ग की स्थापना किए थे, कहाँ पर किए थे, कोचीन में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जिनसे भी आता हो कमेंट में आंसर करते रहें, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया, क्या पूछ रहा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, कहाँ आयोजित किया गया, बताना राइट आंसर। बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पर हुआ दोस्तों, मुंबई में हुआ था, कहाँ, मुंबई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, स्थापना हुआ था मुंबई में, और पहला अधिवेशन भी उसी दिन माना जाता है। तो कहाँ पर है पहला अधिवेशन पूछा, तो मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों ये राइट हो जाएगा। पहला जो अधिवेशन हुआ था तो पहले अधिवेशन में कितने मेंबर रहे, तो टोटल मेंबर थे 72 मेंबर, कितने मेंबर थे 72 मेंबर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था, मतलब आपसे ये पूछ रहा सिंपली कि 1930 में चटगांव में सरकारी जो शस्त्रागार था जहां अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं ना, उस घर का नाम, जहां पर जिस मकान में शस्त्र रखे जाते हैं उसको बोलते हैं शस्त्रागार, है ना, उस पर किसने आक्रमण किया था और पूरा वहां जो औजार थे, बंदूक, गोला, सब ये लूट कर लिए थे, कौन वो व्यक्ति थे, चार ऑप्शन बताना है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूरसेन, सुखदेव, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइएगा। तो आपको हम बता दें कौन हमला किए थे, इसमें हमला किए थे सूरसेन, कौन दोस्तों सूरसेन। ये किस सन की बात है, तो सन याद रखिएगा 1930 में हमला किया गया था चटगांव में। सूरसेन भारतीय क्रांतिकारी हैं, इन्होंने ही शस्त्रागार में लूटमार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को विरोध किया था, तराई में, पंजाब में, छोटा नागपुर पठार में, मणिपुर में। तो बताना दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, बिरसा मुंडा को सभी लोग जानते हैं, अभी जो रांची हाईपोर्ट था, क्या दोस्तों, रांची अभी एयरपोर्ट था, हवाई अड्डा था, उसका नाम बदलकर बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कर दिया गया, क्या दोस्तों, रांची हवाई अड्डा का नाम बदलकर बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कर दिया गया। तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से युद्ध किए थे, कहाँ से युद्ध किए थे, बिरसा मुंडा का क्षेत्र क्या था। तो राइट आंसर दोस्तों छोटा नागपुर पठार, कहाँ पर आता है, झारखंड में आता है, ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग ऑप्शन सी किए थे सभी का राइट हो जाएगा। सभी दोस्तों को शेयर कर देना, जितने भी पढ़ने वाले दोस्त हैं सभी के पास वीडियो पहुंच जाए, और वीडियो मतलब जी के अच्छा लगे तो आप लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, पहली बार चैनल में है तो सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।